बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। एक कराची से मुझे एक वॉइस मैसेज मौसूल हुआ कि बकरी की खांसी ठीक नहीं हो रही। सेलाइन लेक्चरी भी दी है, सारा कुछ, शरबत दूध से आभी, लेकिन उनको मैंने फिर कहा कि आप एक्सिनल RTU के इंजेक्शन लगाएं और साथ ही सोलोन एम के। उन्होंने फिर बताया कि एक एक्सिनल आरटीयू। सलाम जी डॉक्टर, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, एक्सिनल आरटीयू जो है कराची में इजीली नहीं मिलता, इजी नहीं मिलता भी है। 8,000 कितने का? 12,000 रुपए का एक्सिनल आरटीयू, 8,000-12,000 रुपए का, ये तो वाकई बहुत महंगा है। तो साथ ही इन्होंने उसका कहा कि ये खांसी की वजह से, दूसरा ये है कि डॉक्टर साहब ठहरती भी नहीं, नहीं। अमल नहीं ठहरता, क्रॉस भी करवाता हूँ उसको। हाँ, तो फिर ये इस तरह करें, अगर एक्सिनल आरटीयू महंगा है और वाकई बहुत महंगा है तो इसका, और दूसरा ये ठहरती भी नहीं है, क्यों ना हो इस दोनों काम हो जाएं। एक तो ठहर भी आइंदा जाएगी इंशाल्लाह ताला, इसके रहम का भी इलाज हो जाए और साथ ही साथ इसकी खांसी भी ठीक हो जाए। तो एक्सिनल आरटीयू की बजाय फिर आप PPSLA के 5-5 CC के टीके लगा दें 4 दिन लगातार, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, एक तो रहम का भी हो जाएगा इलाज और दूसरा इसकी खांसी भी ठीक हो जाएगी। और दुआओं में याद रखें फी मानला। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इस का इलाज अपना, इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में नेक तरीन वो शख्स है जिसका अखलाक अच्छा है। बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ, फ़ीमान अल्लाह।